सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, आज हम लोग अपने सर्वाइवल वर्ल्ड को फिर से कर रहे हैं कंटिन्यू गाइस। एंड गाइस, काफी टाइम हो गया मेरे को अपने सर्वाइवल वर्ल्ड को ऐसे ही रुका सूखा देखते हुए। तुम लोग भी देख सकते हो कितना रुका सूखा पड़ा हुआ है मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड। सो मेरे को गाइस तभी एक आइडिया आया दिमाग के अंदर और मैंने सोचा क्यों ना हम लोग अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर बनाए एक फाउंटेन जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होगा एंड बहुत ही अट्रैक्टिव होगा गाइस। चलो भाई, ये देखो गाइस, हर एक चीज मतलब बहुत सूखी सूखी से लग रही थी, सूखी सी नहीं। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना यार यहाँ पे कोई एक ब्यूटीफुल सी चीज बनाए। इस क्रीपर को एक मिनट जरा कुछ प्रसाद वरसाद दे के आते हैं पहले। वेट, फटियो बट ओ भाई साहब, क्या ही फटा, साथ में मेरे को भी उड़ा दिया गाइस। एंड वो होने वाला है बहुत ही ब्यूटीफुल प्लस काफी यूनिक गाइस और काफी बड़ा भी होने वाला है। इसीलिए मैंने सोचा उसको बना लेंगे, थोड़ी बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। क्या सोच है रे तेरी? So guys, इसको बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए होगा इतना सारा मटेरियल जो कि मैं फटाफट से कलेक्ट करता हूँ एंड फिर बाद में तुम लोगों से मिलता हूँ। एंड जाने से पहले गाइज, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर हम लोग करते थे पहले बट अभी हम लोग नहीं करते हैं, वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ क्या है। वो है शाउट आउट देने की प्रथा गाइस। मेरे को अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था, तब जाके मेरे को पता चला यार हमने वो प्रथा तो बिल्कुल ही बंद कर दी। हम लोग अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर शाउट आउट दिया करते थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सो आज का गाइस, आज की वीडियो का शाउट आउट जाता है बिंदास एक्स को। थैंक्स फॉर कमेंट द वीडियो बडी। सो अभी हम लोग अपनी वीडियो को करते हैं फटाफट से शुरू। मैं फटाफट से आइटम्स को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर बाद में तुम लोगों से मिलता हूँ। आइटम्स वैसे ऑलरेडी मेरे पास पड़े भी हुए हैं काफी सारे, तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो काफी सारे ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, प्रत्येक ब्लॉक्स की मुझे जरूरत नहीं है। ये ब्लॉक्स मैं इसलिए इकट्ठा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना अपने नेदर के अंदर, तुम लोगों को पता होगा वो जो फोर्ट्रेस है कितनी ज्यादा दूर है। लास्ट वाली वीडियो अगर तुम लोगों ने देखी हो तो, मतलब लास्ट से पहले वाली। सो इसीलिए ना मेरे को वहां तक जाने के लिए एक रास्ता बनाना है। रास्ता मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मेरे को पहले अपना वहां पे एक हाउस बनाना है। इसलिए मेरे को समझ दिया ना गाइस कि हाउस बनाया कहाँ पे जाए क्योंकि वहां पे ना बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है हाउस बनाते टाइम। एक तो वहां पे लावा बहुत सारा है, सबसे पहली दिक्कत। और हाँ, मैं तुम लोगों को बताना भूल गया, यहाँ पे मेरे को ना यहाँ पे एक ये मिला है, वो बताता हूँ मैं तुम लोगों को क्या मिला है। यहाँ पे मिला है मेरे को एक और न्यू अपना स्केलेटन हॉर्स जिसको मैंने अभी तक नाम नहीं दिया है। एंड यहाँ पे है अपना ये चीकू, ठीक है। सो ये भी इसी की तरह दिखता है, ठीक है। सो इसीलिए ना मैंने इसका नाम सोच लिया था एंड मैंने इसको नेम टैग दे दिया है। अभी तुम लोगों को पता होगा नेम टैग कहाँ से लाया, मैं वहां से अपने विलेजर से लेके आया था, ठीक है। तो इसका नाम मैंने क्या दिया वो मैं बताता हूँ तुम लोगों को, खुलना। ओके, सो इसका नाम है यहाँ पे चीकू का भाई अपना एप्पल। यस, तो ये है अपना एप्पल यहाँ पे एंड ये है चीकू। ऐसे ही करके गाइस धीरे धीरे अगर मेरे को और मिलते रहेंगे तो मैं यहाँ पे पूरा अपना फूड मार्केट खोल लूंगा। क्या बात है, इसके लिए मेरे को ना काफी सारा वो भी लगेगा अपना एंडरसाइट बोलते आई थिंक उसको, एंडरसाइट भी रखने वाला है। एंडरसाइट मेरे पास पड़ा हुआ है क्या? ओके ये क्या? ओके ये एंडरसाइट है, यही मेरे को चाहिए था। और आई थिंक अपने पास इनफ है यार। वो मेरे को ये भी चाहिए। नाइस भाई, काफी सारी चीजें मेरे पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। अभी एंडरसाइट को बनाते, मतलब एंडरसाइट को वो पॉलिश एंडरसाइट कैसे बनाते यार मेरे को नहीं पता। या तो इनको स्मेल्ट करते आई थिंक, एक बार देख लेते हैं क्या ये स्मेल्ट होते हैं क्या। एक बार इसको रखते हैं यहाँ पे एंड मेरे पे कोल वगैरह नहीं है क्या यार? कुछ भी नहीं है। ये डाल देते हैं इसके अंदर कोल। ओके ठीक है, तो ये स्मेल्ट तो ओके तो नहीं बनता। अभी आई थिंक ना मेरे को क्राफ्टिंग टेबल के अंदर देखना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे नहीं बनता, तो आई थिंक ऐसे बनता हो। ओके लेट्स गो, ऐसे ही बनता है। ये मेरे को चाहिए होंगे टोटल 32 है ना, तो 32 ये निकाल लेते हैं। बाकी हम लोगों को चाहिए होंगे स्टेयर के लिए। सो इसको हम लोग निकाल के इधर रख लेते हैं। इसकी बनानी है अभी मेरे को 8 स्टेयर्स। लेट्स गो, हो गया बस काम अपना। इन सबको बस हटाना पड़ेगा, इन सबको हटा देते हैं बस फटाफट से। हमेशा एरिया क्लियर करने की दिक्कत क्यों रहती है। यहाँ पे हम लोगों को लगाने हैं 1, 2 and 3 ब्लॉक एंड उसके बाद हम लोगों को लगानी है ये, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोगों को ये लगानी है कुछ इस तरीके से, देन अगेन ये लगाना है कुछ अबे ऐसे नहीं, इस तरीके से, ठीक है। चारों डायरेक्शन में हमको ये लगानी है, ओके। और इसके बाद हमको एक सर्कल क्रिएट करना है बेसिकली। यहाँ पे आएगा 2 अपना, यार ये गलत क्यों लगते हैं मेरे से। एंड उसके बाद 1 आएगा अपना यहाँ पे, देन 1 आएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद यहाँ पे वापस से हम लोगों को एक एरिया, मतलब इस जगह पे एक एरिया छोड़ना पड़ेगा स्टेयर के लिए। तो 1, 2, 3 वापस से ये आ गई अपनी स्टेयर कुछ ऐसे, फिर से अपनी स्टेयर कुछ ऐसे,
ऐसे ही करके हम लोगों को पूरा एक सर्कल क्रिएट करना। ये हो जाने के बाद अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को ये जो सर्कल है ना, इसका ये अंदर वाला एरिया है, इसको पूरा को खाली करके इसके अंदर हम लोगों को भर देने हैं स्मूथ स्टोन्स। अबे यार ये देखो, ये ऐसा ही होता है मेरे साथ, इसको मैं फटाफट से खाली कर देता हूँ एंड उसके बाद हम लोग स्मूथ स्टोन मतलब स्टोन्स को कलेक्ट करने चलते हैं। थोड़े बहुत से स्लैब बना लेते हैं, 6 इनफ रहेंगे और उसके बाद मेरे को और क्या चाहिए, 6 नहीं तब तो मेरे को ज्यादा बनाने पड़ेंगे ना। ओके, मेरे को स्लैब्स की जरूरत है बस यहाँ पे, एंड स्लैब्स को ना मेरे को वहां पे लगा देना है। कैसे लगाना है वो बता देता हूँ फटाफट, फिर हम लोग चलते हैं फटाफट से स्टोन को कलेक्ट करने, क्योंकि स्टोन मेरे पे है नहीं, काफी कम स्टोन है, क्योंकि ज्यादा जितना मेरे पास स्टोन पड़ा था ना उन सबका तो मैंने वो बना दिया ना स्टोन ब्रिक। ठीक है, सो इसको ना जहां जहां पे मैंने स्टेयर्स और एक जो ये जो ये एक ब्लॉक लगा हुआ है ना इसके ऊपर लगा देना है, यहाँ पर ये इससे, यहाँ पर ये इससे। ओके, एक्सेक्ट बराबर बने थे। नाइस, अभी फटाफट से स्टोन को कलेक्ट करने चलते, बहुत सारे मॉब है इसीलिए चुपचाप से घर के अंदर चलो और सो जाओ। ठीक है, अभी फटाफट से इसको लगा देते हैं हम लोग स्मेल्ट होने के लिए। यहाँ पर कहाँ गया अपना स्टोन, अपना स्टोन ये रहा अपना स्टोन, और मेरे को ब्रिक की जरूरत तो पड़ने ही वाली है यहाँ पे, सो ब्रिक को भी हम लोग लेके रखते हैं। 15 मिनट्स लेटर, तो ये हो चुका है अपना कंप्लीट। ओके, सो अभी गाइस क्या करना है ना, अभी यहाँ पे हम लोगों को एक सेंटर वाला ब्लॉक ढूंढना है, जो कि अभी मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, यही है अपना सेंटर वाला ब्लॉक। ओके, और अभी इसको लेके जाना है मेरे को 7 ब्लॉक की हाइट पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, सो ये 7 ब्लॉक की हाइट पे आ चुके हैं हम लोग, एंड देन इसके बाद इसको चारों तरफ से कुछ ऐसे कर देना है, ऐसे एंड ऐसे। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे लगा देनी है ये वाली ग्रास, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे। ओके, एंड इसके जस्ट यहाँ पे हम लोगों को लगा देनी है एक एक और ब्लॉक, कॉर्नर कॉर्नर पे हम लोगों को एक एक ब्लॉक लगा देने हैं। यहाँ कुछ ज्यादा ही दूर लगा दिया, गलती आप बहुत होती है मेरे से। उसके बाद मैं कुछ स्टेयर्स बना के लाया था यहाँ पे, 56 यहाँ पे स्टेयर्स बनाई है मैंने, सो स्टेयर्स को भी हम लोगों को लगा देना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक यहाँ पे, और मेरे पे स्लैब्स भी हैं, यहाँ पे स्लैब भी लगाने हम लोगों को, 36 यहाँ पे स्लैब्स है। ओके, तो स्लैब हम लोगों को लगाने हैं यहाँ पे इस जगह पे, एक यहाँ पे। तो अभी ये अपना यहाँ का नीचे का एरिया कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये ग्रास ब्लॉक क्यों लगाया वो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मैं लगाने वाला हूँ फ्लावर्स, ये बड़े वाले चाहिए मेरे को ये वाले, और ये यहीं पे पास में ही थे, मेरे को पता था ना भाई अपने पास फ्लावर वेली है पूरी। ओके, तो चारों के चारों यहाँ पे आ गए, सो लेट्स गो, ये यहाँ पे लग गए हैं। अभी गाइस क्या करना है ना, अभी हम लोगों को वापस से यहाँ पे ब्रिक्स का काम होने वाला है एंड स्टेयर का काम होने वाला है। ऊपर से जो ये सेकंड वाला है ना, इसको मेरे को यहाँ पे लगा देने हैं अपने ब्रिक्स कुछ इस तरीके से चारों तरफ। इसके नीचे हम लोगों को यहाँ पे एक मतलब उल्टी स्टेयर्स लगा देनी है, एक नहीं इस जगह पे भी लगा देनी है एक स्टेयर चारों तरफ, एंड ये देखने में गाइस कुछ ऐसा लगेगा। एंड इसके बीच में अभी मेरे को ऐड कर देने हैं स्लैब्स, 1, 2 एंड 3, चारों तरफ हम लोगों को लगानी है 1, 2। ओके, तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। ओके, सो अभी गाइस क्या करना है, अभी हम लोगों को 3 ब्लॉक यहाँ से इस तरफ इसको लेके जाना है, देन वापस से 3 ब्लॉक पूरा मेरे को इसको इस तरफ लेके जाना है, ये काम मेरे को चारों तरफ करना है 1, 2 एंड 3। और ये हो जाने के बाद गाइस इसको ना कुछ ऐसे हम लोगों को मिला देना है, 2 इधर से देन 2 इधर से। ओके, सेम यही करना है हम लोगों को, और इसके बाद इसको कर देना पूरा फिलअप। सो एंड गाइस, अगर तुम लोग यहां तक वीडियो देख रहे हो मतलब तुम लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, सो प्लीज वीडियो को लाइक मार देना, एक चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना गाइस, और भी ऐसे ही मजेदार सर्वाइवल वीडियोस आती रहेगी अपने यहाँ पे। अभी यहाँ पे ना मेरे को वापस वही अपसाइड डाउन करके लगानी पड़ेगी अपनी स्टेयर्स कुछ ऐसे चारों तरफ। अभी गाइज मुझे ये जो स्टेयर मैंने लगाई है ना, अभी इन्हीं के ऊपर मेरे को वापस से स्टेयर्स लगानी है कुछ ऐसे, एंड इनके पीछे भी मेरे को वापस से लगा देनी है ऐसे, एंड इनके ऊपर ना मेरे को लगा देने हैं स्लैब्स कुछ ऐसे, यहाँ पे इस वाले के यहाँ पे, देन एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे। ओके, ऐसा ही मेरे को अभी चारों तरफ करना है। अभी ये बीच वाला जो ब्लॉक है यहाँ पर भी हम लोगों को एक बीच वाला ब्लॉक निकालना है, तो ये अपना सेंटर का हो गया 1, 2, 3 एंड ये इधर, यही अपना बीच वाला ब्लॉक, एंड इसके 2 ब्लॉक हम लोगों को इस तरफ निकालना है, देन वापस से 2 ब्लॉक इस तरफ निकालना है। पिछली बार हम लोगों ने 3 ब्लॉक लिए थे, बट इस बार हम लोगों को लेने हैं 2 ब्लॉक, एंड इसके यहाँ पे भी हम लोगों को कर देने हैं ब्लॉक प्लेस, एंड इसके ऊपर हम लोगों को फिर से यहाँ पर एक क्रीपर की तरह जो फेस होता है क्रीपी फेस, वो यहाँ पे बना देना है, एंड यहाँ पे आएंगे अपनी स्टेयर्स कुछ ऐसे,
एंड अभी मैं फटाफट से सो जाता हूँ वरना नीचे वो स्पाइडर है यार, वो मेरा कुछ ना कुछ भी। ओके ठीक है, नहीं सो सकता भाई, कहीं तो सोने दे यार प्लीज। ओके ठीक है, सो गया। अब भी गाइस मैं घर पे आया हूँ क्योंकि मेरे को ना ग्लो स्टोन की जरूरत है यार वहाँ पे ब्राइटनेस के लिए ऊपर की तरफ। तो आई थिंक मेरे पे ग्लो स्टोन या फिर ग्लो डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है क्या मेरे पे? एक बार चेक कर लेते अच्छे से, तो उसके बाद एक चलते। अगर यहाँ नहीं होगा तो फिर नेदर में जाके लाना ही पड़ेगा। ओके यहाँ पे 27 पड़ी हुए, नाइस गाइस। दिखने का तो मस्त ही है, अभी से लगने लग गया यार। अभी तो इसमें बहुत काम बाकी है सीरियसली। ये पूरा हो जाएगा ना फिर बाद में तुम लोग भी इसकी तारीफ करते नहीं रुकोगे यार। यहाँ पे हम लोगों को लगा देना है ये, एंड अभी मेरे को इसके ऊपर लेके जाना है 3 ब्लॉक आए। ओके मेरे ब्लॉक्स भी खत्म हो गए, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसके टॉप पे अभी हम लोगों को यहाँ पे इस जगह पे भी ये स्टेयर्स लगा देनी है। स्टेयर का काम काफी सारा हो रहा है अभी अपना। यहाँ पर हम लोगों को आराम से ध्यान से लगा देनी है। मेरे पे ब्लॉक्स खत्म हो गए आई थिंक। ओके ये एक ही बचा है, मेरे को ब्लॉक्स लेने जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगेंगे ये वाले ब्लॉक्स, और अभी लगा देनी है इनके ऊपर भी स्टेयर्स। ऐसे इनको करके इनके ऊपर भी स्टेयर्स हम लोगों को लगा देनी है कुछ ऐसे। एग्जैक्ट ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट पड़ी हुई है मेरे पास, और यहाँ पर ये गलत लग गई अभी मेरे पास ही ना। ओके मेरे पे ही आ गई। ओके सो अभी यहाँ पे क्या करना है ना गाइस, यहाँ पे हम लोगों को लगा देनी है ये अपनी जो वॉल्स है ना वो कुछ ऐसे लगानी है हम लोगों को चारों तरफ, एंड इनके ऊपर लगा देनी है हम लोगों को स्लैब्स। अभी गाइस अपना काम हो चुका है, यहाँ पे अपना काम डन डना डन है। बस मेरे को ना एक काम और करना है यहाँ पे इस जगह पे ना, मेरे को वो लगानी है, 2 वॉल्स लगानी है अपनी। हाँ आ जाएगी ना, 1 एंड 2। अबे हाँ यही टेंशन थी इसीलिए, क्योंकि हम लोग क्या इसके वॉल के ऊपर नहीं चढ़ सकते ना, और इसके ऊपर हम लोगों को लगा देना है ये। लेट्स गो, अपना यहाँ का ये बिल्ड का काम सारा कंप्लीट हो भाई, अभी नीचे गिर जाता। ओके तो ये अपना हो चुका है यहाँ पे, तो अभी इसको रखो साइड में। एंड अभी हम लोगों को चाहिए होगा बस यही आइटम चाहिए, एंड कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे ये आएगा सबसे पहले, ये आएगा फिर ये आएगा, यहाँ पर भी ये आएगा एंड लास्ट में भी यही आएगा, फिर इसके ऊपर ये आएगा। ओके तो यहाँ पे आई थिंक ये हो चुका है, इधर का रह गया। अभी यहाँ पे केवल हम लोगों को वाटर ऐड करना है, एंड अपना ये फाउंटेन बन चुका है यहाँ पे। अभी ना पानी हम लोगों को यहाँ नीचे से ऐड करना पड़ेगा, बट इसके लिए सबसे पहले मैं काम करने वाला हूँ यहाँ ही पे ना, मैं एक इन्फिनाइट सोर्स बनाने वाला हूँ। ओके तो ये भी अपना हो चुका है। यहाँ पे पानी को ना कुछ ऐसे करना है, मतलब कि बिल्कुल एक लेवल पे हो जाए, बिल्कुल ऐसा इधर उधर नहीं जाना चाहिए जैसे वहाँ पे जा रहा है ना। ये देखो यहाँ पे जा रहा है, तो इसको ऐसे किया, देन इसको ऐसे, एंड ये हो चुका है पूरा एकदम फ्लैट। और अभी हम लोगों को चालू करना है नल ऊपर के, सो लेट्स गो चलते हैं हम लोग ऊपर के नल चालू करने। यहाँ पे हमको वाटर डालना है, यहाँ पे ये जो स्टेयर लगी है ना यहाँ पे, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो गाइस क्या ही मस्त लगेगा। ओके तो यहाँ का भी काम अपना हो चुका है, सो या ये देखने में कुछ ऐसा लगेगा गाइस। ये देखो तीनों तरफ मतलब चारों तरफ क्या ही मस्त फाउंटेन की तरह लगेगा। अभी ऊपर का काम अभी बाकी है। ओके ऊपर के नल चालू करना मैं अभी भूल गया था, तो ऊपर के भी नल चालू करके आते हैं। इससे भी ऊपर एक और नल है यहाँ पे, बिल्कुल वहाँ पे उस जगह पे आई थिंक मैं ऐसे ही पहुंचाऊंगा। लेट्स गो ऐसे ही पहुंचाऊंगा, एक और नल चालू करना है बस लास्ट, फिर उसके बाद हम लोगों का ये फाउंटेन बन के कम्प्लीट है। एक बार मैं तुम लोगों को विथ शेडर एंड विदाउट शेडर भी दिखाने वाला हूँ, उन्हीं लोग बताना मेरे को कैसा क्या लग रहा है विदाउट शेडर एंड विथ शेडर। चढ़ जाना भाई जल्दी। ओके ठीक है, सो यहाँ पे भी हम लोगों को जाएगा इस सेकंड वाला। लेट्स गो, ये हो चुका है अपना फाउंटेन कंप्लीट, सारे नल मैंने चालू कर दिए यहाँ पे, एंड ये देखने में कुछ ऐसा लगने वाला है। लेट्स गो, बाकी तुम लोगों को कैसा लग रहा है वो मेरे को कमेंट्स में जाके जरूर से बताना। ये तो अपना शेडर के साथ दिख रहा है। ओके अभी विदाउट शेडर देख लेते हैं गाइस। तो ये है अपना विदाउट शेडर, तुम लोग देख सकते हो विदाउट शेडर तुम लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मेरे को तो विदाउट शेडर बहुत ज्यादा पसंद आया यार, ये बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जिससे कार्सल के अंदर नहीं होते वैसा लग रहा है, बिल्कुल एकदम मस्त वाला फाउंटेन लग रहा है। इसके आसपास के एरिया को भी मैं डेकोरेट करूंगा, बट तुम लोग आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम लोगों को कैसा अच्छा लगा, मतलब विद शेडर या विदाउट शेडर। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस। एंड हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइस, कि नोटिफिकेशन जरूर से दबा देना, क्योंकि यार बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन जाती नहीं है जिससे वो देख नहीं पाते हैं। सो या एक बार चेक कर लेना तुम लोगों ने नोटिफिकेशन दबाया हुआ है या नहीं दबाया हुआ है,